तो क्या हाल चाल है भाई आप सभी के, सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना। तो दोस्तों अभी YouTube पे मैंने दो दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें कि मैंने दो स्मार्टफोन्स को कवर किया था। एक था Samsung का M21 और दूसरा था Samsung का F41। इन दोनों स्मार्टफोन्स में हमें लेटेस्टली Android 11 के अपडेट्स मिलना स्टार्ट हुए हैं और आप जानते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ इसी तरह की वीडियोज़ को कवर करते हैं। तो अगर आप किसी स्मार्टफोन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमें नीचे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप सभी के मुझे ये भी कमेंट्स देखने को मिले कि भाई अगर हम इस अपडेट को इंस्टॉल कर लेंगे तो कहीं इसके साथ कोई प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को तो नहीं मिलेंगी। तो हाँ, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि मेजर प्रॉब्लम मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा और अगर इस प्रॉब्लम के बारे में आप सुनेंगे तो थोड़ा सा आपको सैड भी फील होगा। तो इस वीडियो को आपको देखना है बिल्कुल लास्ट तक। छोटी सी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे है और उसी के साथ ही क्या इस अपडेट को आपको आपके इन स्मार्टफोन्स में इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं। बिना टाइम वेस्ट किए इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब बिना टाइम वेस्ट के सैमसंग का जो M21 है उसमें हमें एंड्रॉइड 11 के अपडेट मिलने के बाद जो नेटिव स्क्रीन रिकॉर्डर का फीचर है वो अब यहाँ से बिल्कुल रिमूव हो चुका है। एक यूज़र का यहाँ पर ऑफिशियल कमेंट मुझे सैमसंग के कम्युनिटी ऐप पे देखने को मिला, तो उन्होंने कहा कि जो नेटिव स्क्रीन रिकॉर्डर है सैमसंग के M21 में वो यहाँ से बिल्कुल रिमूव हो चुका है। तो भाई ये काफ़ी यूजफुल फीचर है और आप में से बहुत सारे भाई क्या पता यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हो, स्ट्रीमिंग करते हो, तो उसके लिए हमें जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर है वो इनेबल चाहिए होता है अपने स्मार्टफोन में। लेकिन अब सैमसंग के M21 के साथ नेटिव स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है, तो भाई थोड़ी सी सैड बात मुझे लगी। और अभी देखते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ क्या इस फीचर को अभी ऐड किया जाता है या नहीं। और प्ले स्टोर पर भी अभी मुझे नहीं लगता कि इतने कुछ खास स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऐप्स हमें बचे हैं, बाकी जो थे उनको तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं अगर यहाँ से नेटिव स्क्रीन रिकॉर्डर रिमूव हो चुका है। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद क्या आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिली कि क्या आपके M21 के साथ जो नेटिव स्क्रीन रिकॉर्डर का फीचर है उसको रिमूव किया गया है या नहीं। इसी के साथ जो सैमसंग का F41 है भाई उसके बारे में तो मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसके साथ जो फीचर है वो रिमूव किया गया है या नहीं, और इसके बारे में मुझे कुछ सुनने को नहीं मिला। तो मुझे नहीं लगता कि F41 के साथ हमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिली हैं, और जो M21 है उसके साथ कुछ कुछ बग्स हमें फेस करने को मिले हैं जैसे कि स्पीकर रिलेटेड इशू और परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू। तो कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं हमें सैमसंग के M21 के साथ अभी देखने को मिली हैं। बाकी देखते हैं जो फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे उनके साथ क्या इंप्रूवमेंट्स होती हैं। लेकिन हाँ, जो एक फीचर मुझे लगा कि हाँ इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, तो जो नेटिव स्क्रीन रिकॉर्डर है उसको यहाँ से बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है। तो आप मुझे नीचे जरूर से कमेंट करके अपना ओपिनियन इसके बारे में बताना। दोस्तों बस यही थी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे शानदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।